दोस्तों जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है, साथ ही जुलाई के महीने में कई सारे नए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे क्या होने वाली है इनकी लॉन्च डेट, क्या होने वाली है प्राइसिंग, साथ ही साथ हमको इनमें क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं आज की इस वीडियो में, इसी बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं वाईके टेक्निकल्स। वाईके टेक्निकल्स के फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जो हमारा सबसे पहला स्मार्टफोन है वो है वन प्लस 8 लाइट, जो कि 10 जुलाई के आसपास लॉन्च होने वाला है। साथ ही प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 37,000 के आसपास फोन की प्राइसिंग रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं फोन की स्पेसिफिकेशन की। दोस्तों फोन में आपको देखने को मिलता है 6.4 इंच की डिस्प्ले, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। साथ ही फोन में आपको 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। फोन में आपको मीडियाटेक का 6889 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि माली G77 GPU के साथ आता है। दोस्तों बात करें फोन की कैमरा की, तो फोन में आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 48, 16 और 12 मेगापिक्सल के तीन कैमरा देखने को मिलते हैं। साथ ही फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है। बात करें बैटरी की, तो फोन में आपको 4000 mAh बैटरी देखने को मिलती है, जो कि साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। दोस्तों अपने अगले स्मार्टफोन की बात करूं तो ये भी हमें वन प्लस की तरफ से देखने को मिलता है, जो कि वन प्लस जेड के नाम से आता है। साथ ही साथ फोन की लॉन्च की डेट की बात करें तो फोन लगभग 2 या 3 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 34,000 के आसपास ये फोन लॉन्च होगा। इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो फोन में आपको देखने को मिलती है 6.55 इंच की डिस्प्ले, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। साथ ही फोन में आपको 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बात करें प्रोसेसर की, तो फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एड्रेनो 620 GPU के साथ आता है। बात करें फोन की बैटरी की, तो फोन में आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही कैमरा सेटअप की बात करें तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 64, 16 और 2 मेगापिक्सल के साथ आता है। साथ ही आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करूं, जो कि इन्फिनिक्स नोट 7 के नाम से आता है। फोन लगभग 11 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। फोन की प्राइसिंग 10,000 के आसपास रहने वाली है। दोस्तों पर्सनली एक बात बोलूं, ये फोन मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी स्पेसिफिकेशन जिस प्राइस रेंज में हमको देखने को मिल रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। अब देखने वाली बात है कि लोगों को ये कितना स्मार्टफोन पसंद आता है। दोस्तों इस फोन के स्पेसिफिकेशन मेरे को खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको ऐसे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जा रहे हैं। दोस्तों बात करें डिस्प्ले की, तो फोन में आपको 6.95 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। बात करें रैम की, तो फोन में आपको 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। बात करें प्रोसेसर की, तो फोन में आपको मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। साथ ही आपको माली का G52 GPU देखने को मिल जाता है। बात करें कैमरा की, तो फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 48 और 2 मेगापिक्सल के कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिल जाएगा। बात करें बैटरी की, तो फोन में आपको 5000 mAh बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको फोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो है Xiaomi Mi A4। फोन लगभग 19 जुलाई के आसपास लॉन्च होने वाला है। फोन की प्राइसिंग 13,000 से 14,000 के आसपास रहने वाली है, और ये फोन भी काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमें काफी कम प्राइस में काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। फोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें, फोन में आपको देखने को मिलता है 6.53 इंच की डिस्प्ले। बात करें फोन के प्रोसेसर की, तो फोन में आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर। बात करें जीपीयू की, तो फोन में आपको एड्रेनो 616 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करें रैम की, तो फोन में आपको 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बात करें कैमरा सेटअप की, तो आपको बैक में 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 48, 8 और 2 मेगापिक्सल के कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। बात करें बैटरी की, तो फोन में आपको 4050 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करूं, ये भी हमें Xiaomi की तरफ से देखने को मिलता है, जो कि Xiaomi Redmi Note 10 Pro के नाम से आता है। साथ ही फोन 23 जुलाई के आसपास लॉन्च होने वाला है। फोन की प्राइसिंग 19,000 से 20,000 के आसपास रहने वाली है। दोस्तों ये फोन भी काफी अच्छा होने वाला है। फोन में हमें काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अब बात करें फोन के स्पेसिफिकेशन की, तो बात करें फोन की डिस्प्ले की, तो फोन में आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बात करें रैम की, तो फोन में आपको 6GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बात करें प्रोसेसर की, तो फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बात करें जीपीयू की, तो फोन में आपको एड्रेनो 620 का जीपीयू देखने को मिल जाता है। बात करें कैमरा सेटअप की, तो बैक में आपको 4 कैमरा देखने को मिल जाते हैं, जो कि 64, 8 और 55 मेगापिक्सल के कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है। बात करें बैटरी की, तो इसमें आपको 5100 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। दोस्तों ये थे कुछ स्मार्टफोन जो कि जुलाई के महीने में लॉन्च होने वाला है। साथ ही कई और भी स्मार्टफोन है जो कि जुलाई के महीने में लॉन्च होने वाला है, उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाने वाला हूँ। इसलिए आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, और आप अपने लिए एक अच्छा सा स्मार्टफोन ढूंढ सके। दोस्तों इस वीडियो की बात करूं, तो इसमें मेरे को जो सबसे अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है वो है इन्फिनिक्स का नोट 7, जो कि काफी कम प्राइस में काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन दे गए रहा है। दोस्तों आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। साथ ही चैनल के प्रति आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। आज के इस वीडियो में इतना ही है, और आप सभी जानते ही हैं, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।